जब भी मेरे सेट पे यंग एक्टर्स आते हैं ना तो मैं वैसे ही उनके लिए बहुत दुख होता है जो आप मुश्किल से गुजर के कहीं जाते हो अगर आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाए तो फिर यू नो वॉटर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है ना की आपने या नहीं की? तो यू ग्रो एज असन एज वेल यू कैन दल्सो जब आप नए नए बच्चे जो आते हैं जिनको फॉरन वो पहुंच जाते हैं तो उनके दिमाग भी कहीं और पहुंच जाते हैं लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है मुश्किलात दो तरह की होती हैं एक तो ऑब्वियसली आप जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं आम जिंदगी में भी चाहे आपका कोई भी पैशन हो कोई भी आपके गोल्स हो ऑफ कोर्स रोड ब्लॉक्स आते हैं कुछ चैलेंजेस आते हैं और वो तो बड़ी अच्छी बात होती है अगर चैलेंजेस जिंदगी में हो ही ना तो फिर तो मतलब बात ही खत्म ना फिर मजा किस चीज का एज यू गैस सेट बट कुछ चीजों में कुछ जर्नीज में ऐसा होता है कि लोग एक्टिवली आपको पुल बैक भी कर रहे होते हैं यार नहीं इसको तो हमने आगे नहीं जाने देना किसी तरह से इसको बांध के रखो क्या वो होता है हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है बट आपका अल्लाह ताला पे अगर भरोसा है ना कि दुनिया में जितने मर्जी लोग मिलके आपको पुल बैक कर लें लेकिन अगर खुदा ने आपको इज्जत देनी है तो वो देनी है कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर आई थिंक दैट फेथ इट कीप्स यू गोइंग आपको कोई परवाह नहीं होती बट ये होता है यू नो you know, अगर एक एक्ट्रेस साथ बैठी है तो वो दूसरे का अच्छा मेकअप अच्छा नहीं होने देगी कि नहीं मैं अच्छी लगूँ यू नो इस तरह की चीजें सो होता है बिल्कुल होता है आपने मॉडलिंग से अपनी जर्नी शुरू की जी आपने एक जो रियलिटी शो था वहां से यू यू वन दैट रियलिटी शो वहां से आपने शुरुआत की आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था आपको बचपन से बैडमिंटन खेलने का शौक था मैं स्पोर्ट्स में था स्पोर्ट्स में, में ज़्यादा थे आपको भी एक्टिंग का कीड़ा था कहीं पे या वो नहीं, नहीं था था। का कीड़ा नहीं था मॉडलिंग ही करता था फिर एक टाइम पे आके हुआ कि यार मॉडलिंग कब तक करेंगे मतलब <laughs> <laughs> मॉडलिंग का कोई आगे वो नहीं, अच्छी है। अच्छी बहुत को नहीं, होती है नहीं 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 ये अच्छी बहुत ज़्यादा लोगों को होती हो जानी चाहिए और आई हाँ खैर तब मुझे रियलाइज हो गया कि यार मतलब जिसको दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल तो इस हाँ. मैं अगर अपने टॉप पे हूँ तो मुझे अपना लर्निंग प्रोसेस जो है एक्टिंग का वो शुरू कर देना हुँ. चाहिए तो उस टाइम पे फिर आए मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या होता है